हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल, साथ ही साथ आपका जनरल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल पोर्शन के लिए है फ्रेंड्स, हम बेसिक इलेक्ट्रिकल को डिस्कस कर रहे थे। फ्रेंड्स, हमारा ये दूसरा यूनिट चल रहा है जो कि बेसिकली है बेस्ड हमारा थ्योरम पर है। अभी तक हमने पहले थ्योरम को डिस्कस किया है जो कि थी हमारी हैमलिन थ्योरम। हैमलिन थ्योरम को हमने आपको डिफाइन कर दिया, प्रकाशित कर दिया। अब कुछ टर्म को जैसे VTH और RTH को निकालने की तरीके हमने आपको बता दिए थे। आज का जो फ्रेंड्स हमारा टॉपिक है वो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन हैमलिन थ्योरम। फ्रेंड्स, आपको एक सर्किट दी जाएगी और सर्किट के अकॉर्डिंग आपसे किसी भी ब्रांच में धारा का मान पूछ सकता है और कहेगा कि थेवेनिन प्रमेय का प्रयोग करते हुए इस ब्रांच में धारा का मान ज्ञात कीजिए। सब कुछ फ्रेंड्स हमारे सामने ये सर्किट दी हुई है। 6 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 ओम है, ये 10 ओम है, 3 ओम है और 4 वोल्ट की बैटरी है। ये हमारे सामने सर्किट दी हुई है फ्रेंड्स, और आपसे पूछा जा रहा है कि 10 ओम रेजिस्टेंस में, 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात कीजिए। हमने फ्रेंड्स पिछली क्लास में आपको बताया था कि जिसमें जिस पर्टिकुलर ब्रांच में धारा का मान पूछे फ्रेंड्स, आप पहला काम करिएगा उस पर्टिकुलर ब्रांच को AB नाम से रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। हमें फ्रेंड्स AB ब्रांच में धारा का मान ज्ञात करना है। अब फ्रेंड्स इसी ब्रांच को आपको निकालना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। इसको हम नोट कर लेते हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए आपके सामने ये RL है, ये लोड रेजिस्टेंस है जिसमें हमें धारा का मान ज्ञात करना है। तो हम इसको नोट कर लेते हैं RL = 10 ओम। अर्थात फ्रेंड्स हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान थेवेनिन प्रमेय की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो इसको फ्रेंड्स क्या करते हैं, सबसे पहले आप फ्रेंड्स VTH निकालते हैं। तो VTH निकालने के फ्रेंड्स आप क्या करते हो, इस ब्रांच को पहले आप ओपन कर देते हो। ओपन कर देते हो फ्रेंड, तो ओपन करने से पहले फ्रेंड्स हटाने से पहले इसको हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, नोट कर लेते हैं कि हमारा क्या मान था इसका 10 ओम। अब फ्रेंड्स ध्यान से देखिए, अब इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमारे सामने क्या है, ये 6 वोल्ट की बैटरी है, ये आपका रेजिस्टेंस है, इधर भी आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है, इधर आपकी 4 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है फ्रेंड्स, यहां देखिए फ्रेंड्स ओपन हमने कर दिया इसको। अब इसी के क्रॉस क्या आएगा फ्रेंड्स आपका, ये आएगा VTH। ठीक है फ्रेंड्स, VTH आएगा, ये 2 ओम है, 3 ओम है और ये 4 वोल्ट है और ये 6 वोल्ट है। अब ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, VTH निकालने के लिए हमने प्रोसेस आपको बताया, तरीके बताया था फ्रेंड्स। VTH निकालने के लिए हमेशा जिस ब्रांच को आप ओपन करते हो, ओपन करने के बाद उसके बगल वाली लूप में धारा का मान सबसे पहले आप ज्ञात कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहां देखिए VTH यहां पे है, इसके लूप बगल में ये भी एक लूप है, इसके बगल ये भी एक लूप है। जब तक देखिए फ्रेंड्स ये क्लोज बंद था, ये बनी थी, ये लूप है, ये भी एक लूप है। तो फ्रेंड्स VTH हमें इसके क्रॉस निकालना है, तो इसके बगल वाले लूप में धारा का मान सबसे पहले आप ज्ञात कर लीजिए। फ्रेंड्स हम ध्यान दीजिए, इससे बगल ये भी लूप है, ये भी लूप है, लेकिन फ्रेंड्स यहां का ध्यान दीजिएगा, दो बैटरी सोर्स है, 6 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखिए 6 वोल्ट आपकी बड़ी बैटरी है, 4 वोल्ट से बड़ी है, इसलिए फ्रेंड्स हम इधर तरफ लूप को मान ही चलेंगे, क्योंकि धारा प्रवाह कराने के लिए मेन जिम्मेदार आपकी 6 वोल्ट की बैटरी होगी, डोमिनेंट नेचर की होगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम मान लेते हैं कि इस लूप में हम धारा का मान पहले निकालेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे ओपन है फ्रेंड्स, इधर धारा तो जाएगी नहीं, इसमें हम कंप्लीट लूप मान के इसमें मेन धारा का मान ज्ञात कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स इसमें KVL लगाइए, तो पहले माइनस करें तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, -6। अब देखिए फ्रेंड्स यहां प्लस, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, तो फ्रेंड्स यानी कि ये -6 क्या आएगा, प्लस IR, वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा फ्रेंड्स यहां पे I × R, R का मान क्या है 2 है, 2 ओम, फिर आएगा प्लस, हमने किया प्लस 3 IR होगा फ्रेंड्स, तो यहां पे कितना करेंगे हम I × R मतलब 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स आगे बढ़िए, यहां क्या हो जाएगा प्लस 4 = 0। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स हम प्रत्येक ब्रांच में वोल्टेज ड्रॉप को ज्ञात कर रहे हैं, -6 प्लस 2I। मान लीजिए करंट आपकी इसमें क्या से जा रही है, आई जा रही है, क्योंकि इधर करंट फ्रेंड जाएगी नहीं, इधर ओपन है आपका, तो करंट आपकी ऐसे क्यों फ्लो करेगी ना,
तो ये फ्रेंड्स आ जाएगा, इसको सॉल्व आउट कर लीजिए, तो 3 प्लस 2 हो जाएगा 5, 5 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व आउट करिए, कितना हो जाएगा ये 5 5 5 5 हो जाएगा, माइनस 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा माइनस 2 इसको 0, आई से कितना जाएगा फ्रेंड्स 2 by 5 एम्पीयर। तो फ्रेंड्स मेन लूप में जो प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आ गई हमारे सामने 2 by 5 एम्पीयर। अब देखिए फ्रेंड्स 2 by 5 एम्पीयर हमने जान लिया कि आई करंट जो है इस ब्रांच में, इस ब्रांच में और इस पूरे ब्रांच में आपकी 2 by 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। अब ध्यान दीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने ओपन कर दिया है, ओपन करने के बाद फ्रेंड्स इधर करंट तो नहीं आएगी, लेकिन आपको क्या लगता है यहाँ वोल्टेज नहीं रहेगा, यहाँ वोल्टेज रहेगा फ्रेंड्स, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ जो वोल्टेज है वो है VTH, थेविनिन वोल्टेज है। अब फ्रेंड्स हमारा अगला उद्देश्य है थेविनिन वोल्टेज को ज्ञात करना। तो फ्रेंड्स I का मान हमारे सामने आ गया कितना, इसको हम लिख सकते हैं 2 by 5 एम्पीयर, हमने ज्ञात कर लिया कि 2 by 5 एम्पीयर की धारा इस ब्रांच से प्रवाहित हो रही है। इसको फ्रेंड्स हम बिना के आगे सॉल्व आउट कर सकते हैं VTH के लिए। अब पुनः फ्रेंड्स अब देखिए इस कंप्लीट लूप को ना मानकर आज हम इसको इस लूप में घूम जाते हैं, इस लूप में आप घूम जाएंगे क्योंकि हमें VTH निकालना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स क्या होगा ये देखिए यहां से -6 प्लस IR मतलब 2 by 5 into 2 प्लस VTH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 0 हो जाएगा। फ्रेंड्स हमें निकालना क्या है VTH, तो आप फ्रेंड्स निकाल सकते हैं VTH इक्वल क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 बाय 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स क्योंकि हमने दोनों टर्म को फ्रेंड्स उस साइड ट्रांसफर कर दिया, ये हो जाएगा प्लस 6 और ये माइनस हो जाएगा 2 × 2 तो आपको हो जाएगा 4 by 5। तो फ्रेंड्स ये क्या बनेगा, ये आपको हो जाएगा 30 − 4 by 5 क्या आएगा फ्रेंड्स आपका 26 by 5 वोल्ट। तो फ्रेंड्स हमें VTH ज्ञात हो गया, VTH का मान हमने फ्रेंड्स निकाल लिया, कितना आया VTH का मान हम यहां पर नोट कर लेते हैं, VTH आपका आ गया फ्रेंड्स 26 by 5 कितना वोल्ट VTH आपका ज्ञात हो गया। अब फ्रेंड्स हमारा दूसरा काम है RTH का मान ज्ञात करना, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स RTH का मान ज्ञात करने के लिए पुनः आपको सर्किट को रीड्रॉ करना पड़ेगा, दोबारा फिर बनाना पड़ेगा सर्किट, दोबारा रख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स हमें क्या निकालना है RTH निकालना है। तो फ्रेंड्स क्या करेंगे हम, देखिए पुनः सर्किट को ड्रा कर लिया, ये हमारे सामने सर्किट थी फ्रेंड्स 4 वोल्ट, यहां देखिए फ्रेंड्स ओपन था एबी था फ्रेंड्स, यहां हमें क्या निकालना है फ्रेंड्स अब RTH निकालना है। आपके बाद हमें RTH निकालना फ्रेंड्स, तो 2 ओम ये 3 ओम ठीक है फ्रेंड्स, ये 4 वोल्ट और ये 6 वोल्ट। हमें फ्रेंड्स RTH के लिए आपको नियम बताया था, RTH निकालने के लिए सर्किट में सबसे पहले हम दी गई सर्किट में यदि कोई वोल्टेज सोर्स है उसको शॉर्ट कर दीजिएगा और कोई धारा स्रोत है उसको ओपन कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स हमारे सर्किट में केवल 2 वोल्टेज सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स को सबसे पहले क्या करना है आपको शॉर्ट कर देना है, शॉर्ट करने का मतलब क्या हो फ्रेंड्स इसको हटा देना है, बस ये हमारा शॉर्ट हो गया फ्रेंड्स, यहां पे इसको शॉर्ट कर दीजिए, ये हमारा शॉर्ट हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स दो सिरे हैं हमारे सामने, ए है बी है, चाहे आप इधर चलिए चाहे आप इधर चलिए, चलिए ए से हम चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स मान लीजिए हम यहां से चलते हैं, यहां आने के बाद देखिए दोनों डिवाइड हो गई, जहां से आपकी करंट डिवाइड हो जाती है सब जानते हो क्या कहलाता है पैरेलल, अर्थात 2 ओम और 3 ओम किसमें है पैरेलल में है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं RTH इक्वल टू 2 पैरेलल 3, लिखेंगे फ्रेंड्स हम क्या लिखेंगे इसको 2 × 3 / 2 + 3 यानी कि फ्रेंड्स हम ऐसा भी निकाल सकते हैं 1 RTH = 1/2 + 1/3 यहां से क्या सॉल्व आउट करेंगे तब यही सेम आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना हो जाएगा 6/5 ठीक है फ्रेंड्स, तो 6/5 आपका ओम आ गया आपका RTH। तो
आरटीएच का दीवार हमने निकाल लिया फ्रेंड्स, क्या आ गया हमारे सामने, आरटीएच इक्वल टू आ गया आपका 6/5, इतना ओम आ गया। अब हमारे फ्रेंड्स प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है क्योंकि हमने वीटीएच और आरटीएच दोनों का मान ज्ञात कर लिया है। अब हमारा फ्रेंड्स मेन काम क्या है, वीटीएच और आरटीएच को ज्ञात करने के लिए थेवेनिन का इक्विवेलेंट मॉडल को ड्रा करना है। तो फ्रेंड्स हम थेवेनिन का इक्विवेलेंट मॉडल ड्रा करते हैं, सर्किट बनाइए फ्रेंड्स, ये हमारा क्या हो जाएगा वीटीएच, ये हमारा हो जाएगा आरटीएच, और जिसने रन कर दिया वो आपका आरएल यहां पे आ जाएगा। अब पुनः आपको आरएल मींस पॉइंट एडी के क्रॉस जो आपने रेजिस्टेंस को निकाल दिया है फ्रेंड्स 10 ओम को आप यहां पर बना दीजिए इसको, ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स आरएल 10 ओम। इसी में हमें धारा का मान ज्ञात करना है, आरटीएच का मान आपको पता है फ्रेंड्स 6/5 ओम, वीटीएच का मान आपको ज्ञात है फ्रेंड्स 26/5 वोल्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमारे पास सिंपल एक केवीएल लगा सकते हैं, एक सिंपल सबूत है फ्रेंड्स, इसमें केवीएल लगा सकते हैं, लगाइए केवीएल क्या बनेगा माइनस वीटीएच प्लस आई का मान आपको ज्ञात करना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों सीरीज में है, पहले से जोड़ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, या वैसे आप एक लगा दीजिए उससे किया जाएगा I into 6/5 plus I into 10 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हम वीटीएच निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, क्या आएगा वीटीएच ही छोड़ो फ्रेंड्स, आप निकाल लीजिए वीटीएच मान लीजिए, आप कर सकते हैं ना वीटीएच का मान लीजिए कर सकते हैं, यहां सॉल्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स वीटीएच समान रख दीजिए पहले, आप इसको आप जोड़ कर किसी मान तो हो जाएगा ये -26/5 प्लस आई कॉमन लीजिए फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा 6/5 प्लस रिटर्न आपका है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ये 6+50/5 इज इक्वल टू 26/5 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 5 से बैक कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 56 i इज इक्वल टू 26 i से कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 26/56 इसको काट दीजिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 13/48 कितना एंपियर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स हमने जो आपका लोड करंट है आईएल में हमने इसको आईएल क्या कर सकते हैं, आईएल कितना आ गया फ्रेंड्स 30/28 एंपियर। इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने थेवेनिन थ्योरम का उपयोग करके फ्रेंड्स लोड रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कर लिया। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप क्या किया आपने, आपने वीटीएच निकाला, वीटीएच बाद हमने आरटीएच निकाला, आरटीएच बाद हमने क्या किया फ्रेंड्स थेवेनिन इक्विवेलेंट मॉडल को ड्रा किया, ड्रा करने के बाद मेन आपका जिसमें जिस प्रतिरोध में धारा का मान पूछा गया है उस प्रतिरोध को तुरंत उसमें लगा के धारा का मान ज्ञात कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए फ्रेंड्स इतना ही, बाकी क्वेश्चन अगले वीडियो में। थैंक यू।